हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई गेस सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज कल से जो बारिश स्टार्ट हुई थी, आज भी वो बारिश कंटिन्यू है, पूरी वो बारिश हो ही रही है। अभी रात भर भी हुई है, काफ़ी मौसम ठंडा हो गया है। टी शर्ट पहने हैं, हल्की हल्की ठंडी लग रही है। एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे एक फ्रेंड है, उनको डाउट था तो उन्होंने DM किया था कि NCL के बारे में काफ़ी लोग जानते नहीं, तो क्या NCL सही है कि गलत है कि क्या है? भाई NCL तो सही है, मेन चीज़ है कि NCL में जल्दी किसी को जॉब मिलती नहीं है, तो इसीलिए गिने चुने लोगों को जॉब मिलती है, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। मेरे साथ भी ये होता है, पूछते हैं सब लोग कि आपके पापा क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो मैं बताता हूँ NCL में जॉब करते हैं, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि NCL मतलब क्या है। जब तक मैं उनको कुछ एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ, तब वो लोग समझते हैं कि अच्छा ठीक है, NCL कोल्ड फील्ड है और ये MP में है या फिर से किस किस क्षेत्र में, और वहाँ पर जॉब करते हैं। तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, शुरू में डाउट है, कन्फ्यूज़न है, जितना भी हेजिटेशन है वो सब कुछ दूर हो जाएगा जब एक बार आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे आके अपना ड्यूटी करने स्टार्ट कर देंगे। दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ एक अंकल के यहाँ, जिनका जो क्वार्टर है वो टी टाइप है, तो आज टी टाइप क्वार्टर दिखाते हैं और फिर और जो उनके उनसे जुड़ी जो बातें हैं वो सारी चीज़ें चल के डिस्कस करें। बारिश की वजह से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, एकदम सुहावना मौसम हो गया है। ये देख लो कैसा दिखता है कॉलोनी, ऐसे सब लाइंस है, ऐसे जैसे जैसे पहाड़ी है वैसे वैसे, मतलब जैसे जैसे पहाड़ नीचे जाता गया है वैसे वैसे मकान भी नीचे नीचे बनती चली गई है। देखो जो लोग के पास कार रहती है वो ऐसे गेट बड़ा करवा लेते हैं, नहीं तो नॉर्मल गेट ऐसे छोटा रहता है। जिसके पास कार रहती है तो उसको बड़ा गेट बनवाना मैंडेटरी हो जाता है, भाई कार अंदर जाएगी कैसे, क्योंकि स्पेस तो है कार रखने के लिए लेकिन गेट छोटा रहता है। तो आप बड़ा क्या बोलते हैं NCL से के हेल्प से आप वो बड़ा करवा सकते हैं। तो ये टी टाइप क्वार्टर कुछ ऐसा दिखता है, इसमें भी सेम वही है बट ये टी टाइप क्वार्टर है, इसका बनावट कुछ अलग है। यहाँ पे एक छोटा सा गेट यहाँ पे भी है, एक बड़ा सा गेट यहाँ पे भी है, और इधर का एरिया देखो, ये जैसे SHF टाइप जो मेरा क्वार्टर था उस समय जैसे साइड में एरिया दिया हुआ था, यहाँ पे भी साइड में एरिया है, वहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे छोटी सी टंकी बनी हुई है, और यहाँ पे जो भी कुछ फूल सब्जी फल जो भी लगाना है अब लगा सकते हैं उसको, इस एरिया को जिस प्रकार से चाहे आप वैसे यूज कर सकते हैं। एंट्री करते हैं गेट से, तो यहाँ पे ये स्पेस खाली है, यहाँ पे आप जैसे जैसे यहाँ पे कूलर रखा हुआ है आप कूलर लगा सकते हैं या जो भी करना है। और उसके बाद एंट्री पे ये पहला रूम है, ऐसे कुछ उसके बाद इधर ये सेकेंड रूम, ये बाथरूम वगैरह है ना पापा, बाथरूम वगैरह हो गया। एक तीसरा रूम यहाँ पे भी है, ये देखिए, और इसमें देखिए जैसे कि पुराने वाले रूम में जैसे अलमारी थी, इस वाले रूम में भी अलमारी है, ऐसे ऐसे ही पूरा है। ये है टी टाइप का क्वार्टर, और बाकी किचन जो है देखिए यहाँ पे किचन है ऐसे। ये है पीछे का एरिया, तो पीछे का एरिया ये है जो पीछे वाला साइड था, मतलब आगे जो एरिया था उसके बाद ये पीछे है। पीछे आप जो भी यहाँ पे एक बड़ी सी टंकी बनी हुई है, ऊपर एक टंकी तो है ही, उसके अलावा भी यहाँ टंकी है ताकि इसमें एक्स्ट्रा पानी आप स्टोर करके रख सकें अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो। ये पीछे इससे मेरी ये छोटा सा ये बना हुआ है एज ए स्टोर रूम, मतलब जो भी जो भी सामान आप रखना चाहते हैं, ये पहले से बना नहीं होता है, इसको आप बनवा सकते हैं ऐसे अपने खुद के यूज के लिए जैसे आपको लगे, नहीं तो अगर ये बना नहीं होता तो ये थोड़ा सा और उधर तक ये ऐसे एरिया खाली रहता है, तो जिसको जैसे यूज़ करना रहता है उस एरिया को वो ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे अभी अंकल ने इसको एज ए स्टोर रूम बनाया है ताकि अगर जो चीज़ यूज़ में ना हो या कुछ एक्स्ट्रा हो तो उसको वहाँ पर रखा जा सके। तो अंकल के हम लोग आ गए हैं और अंकल ने बहुत प्यारी सी चाय पिलाई हमें, तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकल को। तो उनसे पूछते हैं कि जब ये ज्वाइन किए थे आज के, आपको ड्यूटी करते कितने साल हो गए अंकल? 1989 से। अच्छा,
1989 से अंकल ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी करते काफ़ी समय हो गया। तो पूछते हैं कि जो उस समय डंपर थे और जो आज के डंपर हैं, दोनों में फ़र्क क्या है, और जो उस समय फैसिलिटी मिलती थी और आज जो फैसिलिटी मिलती है, तो उन दोनों में फ़र्क क्या है। जो फैसिलिटी में तो कुछ विशेष अंतर है, जब से अटल जी आए तब से बहुत कुछ सुधरा है। सामाजिक सुरक्षा NCL में, मैं NCL के बाहर की बात नहीं करूँगा, केवल कोल इंडिया में NCL का सामाजिक सुरक्षा बहुत ही अच्छा है कोल इंडिया का। और ये जैसे कोई व्यक्ति मर गया, दवा तबीयत खराब हो गई किसी एम्प्लाइज का, तो फुल खर्चा कंपनी देती है। और जो कोई मर गया उसके गार्जियन लड़के को, जो भी गार्जियन के रूप में अब आएगा है, तो ये अधिकार औरत का, औरत जिसको लिख कर देगी उसका नौकरी हो रहा होता है, अभी तक तो हो रहा है, लेकिन इसमें अब कटौती होने जा रही है। जैसे जैसे प्राइवेटीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे कटौती हो रहा है, और प्राइवेट वालों का दबाव है, जैसे जैसे लोग पैसा लगा रहे हैं कि नहीं, जो व्यक्ति अपने ड्यूटी आवर्स में मरेगा उसी को ही नौकरी दिया जाएगा, और कहीं छुट्टी लेके गया है या ड्यूटी से बाहर है किसी भी तरह का, तो उसको नौकरी नहीं दिया जाएगा। ये कटौती है। और जैसा है, पहले बीमा नहीं था, पहले बीमा नहीं था। बीमा का मतलब यह है कि आपका पैसा आपका कटा और पैसा बीमित हो गया कंपनी के द्वारा। और हिंदुस्तान के बहुत से करीब करीब 200-250 हॉस्पिटल टाई अप हैं, रिटायरमेंट होने के बाद आप वहाँ अपना कार्ड लेके जाइए और अपना इलाज कराइए, एक पैसे नगद भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। अभी 8 लाख रुपए का है, भविष्य में आगे वो बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। मतलब अभी जो मतलब है कि 8 लाख रुपए तक का जो भी आपको सेवा लेना है हॉस्पिटल से, पति और पत्नी दो जी, पति और पत्नी बस, बस। और बच्चे? बच्चे का नहीं है, मतलब अगर बच्चे छोटे बच्चे हैं। जब तक गार्जियन ड्यूटी कर रहा है तब तक बच्चों का इतना इलाज होगा, और जब वो रिटायर हो जाएंगे तो बस पति और पत्नी। हाँ, पति और पत्नी का। अच्छा, डंपर से रिलेटेड बात बताइए कि जो डंपर होता था पहले वाला डंपर और आपके डंपर, उनमें फर्क क्या है, और वो अभी जो डंपर आ रहे हैं उनमें विशेषता क्या है? पहले के डंपर का तो हालत ही नहीं कहना था, 50 टन के डंपर थे, किसी का स्टेयरिंग निकल जाता था, किसी का चक्का निकल जाता था, दो दो चक्के में ब्रेक पर हम लोग खदान में चले हुए, बहुत बदतर स्थिति थी उस समय। लेकिन अब धीरे धीरे सुधरा है, और BML की गाड़ियाँ कुछ आई 70-80 के ही बार, वो गाड़ियाँ चली, वो भी सर्वे आप हो गई। इसके बाद फिर और आया BML की गाड़ी, अभी 10 ठो कटर पिलर आया है, कटर पिलर, हाँ, करीब 2 साल हो रहा है कटर पिलर, और कटर पिलर 1 नंबर की गाड़ी है, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होने पर ही पलटेगी। और सारे अभी जो गाड़ियाँ हैं लगभग, जो नई वाली, पुरानी की बात छोड़ देते हैं, जितनी गाड़ियाँ हैं सभी ऐसी हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, जिसमें आपको पीछे कहाँ हमारा चक्का है वहाँ तक दिखाई देगा, आगे शीशा लगा हुआ वो तो दिखाई देगा ही, और कैमरा भी लगा कुछ कैमरा, हाँ कैमरा लगा है पीछे इसलिए दिखाई देगा, यहाँ तक कि टायर किस टायर में कितना हवा है यहाँ तक दिखाई देगा, वो सारी चीज मतलब मॉनिटर होती रहती है, मॉनिटर होती रहती है, वो अपना बताते रहता है। यदि हवा मानक से कम हुआ तो वो अपना बजर बजाने लगेगा, मतलब सीटी बजा लगेगा, पी 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 करने लगेगा, इंडिकेशन होगा कि ये चीज की कमी है, ये चीज कमी हो गई। यदि सही सलामत रहा तो, यहाँ तक कि जो डंपर हम लोग चला रहे हैं, शुरू शुरू में जो आया था, अभी में किसी किसी में है, यदि ठीक है तो, नहीं तो बनवाए हैं तो लोग बनवाए हैं, नाइट में आपको डीपर मारने की भी जरूरत नहीं है, एकदम उस असेंबली पर, छोटा सा असेंबली है उस पर लाइट पड़ेगा सामने से, अपने आप को डीपर मारेगा, ऑटोमेटिक सेंसर लगा हुआ, हाँ सेंसर लगा हुआ, पूरे सेंसर लगे हुए हैं आजकल एकदम,
इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी महंगी कॉस्टली गाड़ी है कि हद से ज्यादा। कितने का हो सकता है एक डंपर लगभग? कम से कम 8.5 करोड़ का। अच्छा, क्वेश्चन ये लोगों के रहते हैं कि जैसे कि जो लोग नए नए अभी आ रहे हैं, अभी उनका भी ज्वाइनिंग हुई नहीं है, तो वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनको क्वार्टर मिलेगा कौन सा? क्वार्टर माइनस मिलेगा। अगर वो मैनेजरियल पोस्ट पे हो, जैसे कि मान लीजिए कि शिफ्ट मैनेजर बन के आते हैं या माइनिंग सरदार बन के आते हैं। माइनिंग सरदार बन के आएंगे, ओवरमैन बन के आएंगे, तो उनको उम्मीद है कि बी टाइप मिलेगा। इसलिए कि बी टाइप भी इतना अपराध खाली है, माइनस की तो पूछना ही नहीं है। और जो भी मैनेजर के रूप में आएगा उसको सी टाइप मिलेगा। और अगर सी टाइप खाली नहीं है तो बी टाइप मिलेगा। अंकल ये बताइए कि ये जो टी टाइप का क्वार्टर है, ये मिलता किसको किसको है? टी टाइप का क्वार्टर जब स्पेशल ग्रेड डंपर ऑपरेटर, सावल ऑपरेटर होगा तभी मिलेगा, इसको पहले नहीं मिलेगा। डोजर का कोई मिल सकता है? हाँ, डोजर का भी मिलेगा। मतलब जितने भी ऑपरेटर जो भी स्पेशल ग्रेड होंगे उन्हीं को मिलेगा, इसके नीचे नहीं। स्पेशल ग्रेड के जो ऑपरेटर होंगे उनको मिलेगा टी टाइप। और इसे बढ़िया है कि बी टाइप मिल जाए। काफी बड़ा है वो? काफी बड़ा नहीं, सबसे ऐसे है। लेकिन उस पे ज्यादा टी टाइप इतना उतना रोक नहीं है। चाहे टी टाइप लीजिए चाहे बी टाइप लीजिए, दोनों सही है। दोनों मुझे एक रूल बुक मिली जो पापा की है, तो उस रूल बुक पे ना सारे जैसे कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, फोरमैन है या फिर से उनके जो रूल बुक में ना जैसे कि क्या दिया हुआ है कि किसको कैसे काम करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये दोनों चीज़ दी हुई है। तो वो रूल बुक काफ़ी बड़ी है, तो अगर मैं उस रूल बुक के बारे में आपसे अगर उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं उसको शेयर करूँ तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग मतलब जो लोग आप लोग जानना चाह रहे, जैसे मान लीजिए कि अगर ऑपरेटर जानना चाहते हैं कि उस रूल बुक में क्या लिखा है, फोरमैन जानना चाहते हैं, इलेक्ट्रीशियन फिटर वगैरह जो भी हैं वो जानना चाहते हैं, तो कमेंट करना ताकि मैं उस रूल बुक में से ना कुछ पार्ट निकाल के, जैसे मान लो कि एक दिन टेक्नीशियन के लिए कर दिया, एक दिन इलेक्ट्रीशियन के लिए कर दिया, एक दिन डोजर डंपर ये ऐसे ऐसे जो है सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए मैं एक एक दिन करके वो लेके आऊँगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना, जैसा आप लोग कहोगे वैसा ही मैं करूँगा।